हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम फ्लोरिकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताएंगे ऑप्शन ए है ए लान कैन बी डिस्क्राइब एस एक लान के रूप में वर्ड किया जा सकता है ऑप्शन ए है ग्रीन कारपेट। ऑप्शन बी है ए लैंड कवर्ड विद लॉन ग्रास ऑप्शन सी है ए पीस ऑफ लैंड इन ए गार्डन एंड ऑप्शन डी ए ब्यूटीफुली डिजाइन पीस ऑफ लैंड विद ग्रीन ग्रास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट ग्रीन कारपेट ए लॉन कैन बी डिस्क्राइब एज ऑप्शन ए इज राइट ग्रीन कारपेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच इज़ नोन एज मिनिएचर गार्डन किसी लघु उद्यान के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए है मुगल गार्डन ऑप्शन बी है इंग्लिश गार्डन ऑप्शन सी है जापानीज गार्डन एंड ऑप्शन डी है इटालियन गार्डन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ राइट जापानीज गार्डन विच इज़ नोन एज मिनिएचर गार्डन ऑप्शन सी इज़ राइट जापानीज गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फ्लोरीबुंडा आर क्रॉस बिटबिन फ्लोरीबुंडा को किसके क्रॉस द्वारा तैयार किया गया है ऑप्शन ए है हाइब्रिड ट्री को क्रॉस किया गया है परफ्यूशल पोलियन से या ऑप्शन बी है हाइब्रिड परफ्यूजन को टीरो से क्रॉस किया गया है ऑप्शन सी है टीरोस को परफ्यूजर पोलियन से क्रॉस किया गया है या परफ्यूजल या परफ्यूजल पोलियनथस को हाइब्रिड परफ्यूजर से क्रॉस किया गया है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ राइट हाइब्रिड टी इनटू परफ्यूजर परफ्यूचर हाइब्रिड टी को परफ्यूजर पोलियथस के द्वारा क्रॉस से फ्लोरीबुंडा वेराइटी तैयार की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्लावर्स निम्नलिखित में से किसका उपयोग फूलों को संरक्षित के लिए नहीं किया जाता है ऑप्शन ए है सुगर ऑप्शन बी है पोलिय्स ऑप्शन सी है के सी एल एंड ऑप्शन डी है एच टू एस ओ फोर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट एच टू एस ओ फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्लावर्स ऑप्शन डी इज़ राइट एच टू एस ओ फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज ताजमहल के वास्तुकार थे ऑप्शन ए है शाहजहां ऑप्शन बी है उस्ताद अहमद लाहौरी ऑप्शन सी है जहांगीर एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ राइट उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज ऑप्शन बी इज राइट उस्ताद अहमद लाहौरी ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका राइट है और क्वेश्चन नंबर है फाइव क्वेश्चन नंबर है सिक्स द साइज रेंज ऑफ बोनसाई ऑफ बोनसाई इज बोनसाई जो बनाते हैं उसका साइज रेंज कितना होता है ऑप्शन ए है वन पॉइंट फाइव टू टू इंच ऑप्शन बी है टू टू फोर इंच ऑप्शन सी है टू टू सिक्स इंच ऑप्शन डी है थ्री टू सेवन इंच इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ राइट टू टू सिक्स इंच द साइज रेंस ऑफ बॉन्साई ऑफ बॉन्साई इज ऑप्शन सी इज राइट टू टू सिक्स इंच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन डे नेचर प्लांट इज इनमें से डी नेचर प्लांट कौन सा है ऑप्शन ए है गफ्रेना ऑप्शन बी है एलोय ऑप्शन सी है अमरेंथस एंड ऑप्शन डी है गुलमोहर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ राइट गैम्फ्रेना गम्फरेना डेनेचर प्लांट है नेचर प्लांट इज ऑप्शन ए इज़ राइट गम्फरेना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट स्वर्ण रेखा एंड वैभव आर इम्पोर्टेंट कल्टीवार ऑफ स्वर्ण रेखा और वैभव किसकी वैरायटी वेराइटी हैं ऑप्शन ए है ग्लैडुलस ऑप्शन बी है ट्यूरोज ऑप्शन सी है लिली एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ राइट ट्यूबरोज स्वर्ण रेखा एंड वेव आर इम्पोर्टेंट कल्टिवार ऑफ ऑप्शन बी इज राइट ट्यूबरोज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विंटर क्वीन इज ए वेराइटी ऑफ विंटर क्वीन किसकी वेराइटी है ऑप्शन ए है रोज ऑप्शन बी है क्लेडुलस ऑप्शन सी है जरवेरा ऑप्शन डी है वाइट लिली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट जरवेरा विंटर क्वीन इज ए वेराइटी ऑफ जरवेरा इसलिए ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन द टर्म हर्बेशियस वाज फर्स्ट वाज यूज बाय ये जो टर्म हरबेसियस है इसे पहली बार किसने यूज किया था ऑप्शन ए है विलियम रॉबिसन ऑप्शन बी है G, जेक, जी जैक जी जैकलिक ऑप्शन बी है जी जैकेल ऑप्शन सी है डब्लू कैंट ऑप्शन डी है एच रिप्टोन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट जी जैकेल द टर्म हरबेसियस वाज़ फर्स्ट वाज़ यूज्ड बाय ऑप्शन बी इज राइट जी जे कैल नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एलेवन क्रोमजोम नंबर ऑफ ग्लैडुलस इज ग्लैडुलस में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है ऑप्शन ए है फिफ्टी ऑप्शन बी है थर्टी ऑप्शन सी है थर्टी एट एंड ऑप्शन डी है थर्टी फोर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट थर्टी ग्लैडुलस में गुणसूत्र की संख्या तीस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फैंसी गार्डन इज़ ए टाइप ऑफ जो फैंसी गार्डन होता है वो किस टाइप का होता है ऑप्शन ए है फार्सियन गार्डन ऑप्शन बी है इंग्लिश गार्डन ऑप्शन सी है जापानीज गार्डन एंड ऑप्शन डी है इटालियन गार्डन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट जापानीज गार्डन फैंसी गार्डन इज़ ए टाइप ऑफ ऑप्शन सी इज़ राइट जापानीज गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फर्स्ट इस्लामिक गार्डन इन इंडिया वाज डेवलप्ड बाय भारत में पहला इस्लामी उद्यान किसके द्वारा विकसित किया गया था ऑप्शन ए है बाबर ऑप्शन बी है अकबर ऑप्शन सी है शाहजहाँ एंड ऑप्शन डी है फिरोज़ा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट फ़िरोजा द फर्स्ट इस्लामिक गार्डन इन इंडिया वाई डेवलप बाई ऑप्शन डी इज़ राइट फिरोजा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कोकोपीट इज मोस्टली यूज इन कोकोपीट पीट किस में यूज किया जाता है ऑप्शन ए है प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड ऑप्शन बी है सीड जर्मिनेशन ट्रे ऑप्शन सी है इट इज अप्लाइड इन बर्नलैंड ऑप्शन डी है इट इज यूज इन किचन गार्डन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट सीड जर्मिनेशन ट्रे कोकोपीट इज मोस्टली यूज इन ऑप्शन बी इज राइट सीड जर्मिनेशन ट्रे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हेल्दी नर्सरी कैन बी ग्रोन इन साइड स्वस्थ नर्सरी को किसके अंदर उगाया जा सकता है ऑप्शन ए है ग्लास हाउस ऑप्शन बी है पॉली हाउस ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस एंड ऑप्शन डी है पोर्टेबल मिनी टनल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इज राइट पोर्टेबल मिनी टनल हेल्दी नर्सरी कैन बी ग्रोन इन साइड ऑप्शन इज राइट पोर्टेबल मिनी टनल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मोस्ट सुटेबल ग्रीन हाउस फॉर हेल्दी एरिया इज पहाड़ी क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त ग्रीन हाउस है ऑप्शन ए है गबल ऑप्शन बी है लीन टाइप ऑप्शन सी है सेवेटेड ऑप्शन डी है टनल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट गबल मोस्ट सुटेबल ग्रीन हाउस फॉर हिली एरिया इज ऑप्शन ए इज राइट गबल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करी लीफ ट्री इज़ नेटिव टू विच कंट्री करी पत्ता का पेड़ किस देश का मूल निवासी है मीन्स करी पत्ता किस देश का मूल निवासी है ऑप्शन ए है यू एस बी है चाइना ऑप्शन सी है इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी है इंडिया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट इंडिया करी लीफ ट्री इज़ नेटिव टू विच कंट्री ऑप्शन डी इज़ राइट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन वाट आर द मेथड ऑफ मेकिंग बोनसाई बोनसाई बनाने की विधि क्या है ऑप्शन ए है सीड ऑप्शन बी है कलेक्शन फ्रॉम फार्मर फील्ड ऑप्शन सी है कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एवो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑल ऑफ द एवो जब आप बोनसाई बनाएंगे उसके लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है सीड्स की कलेक्शन फ्राम फार्मर फील्ड्स एंड सी प्रोपोगेशन मेथड होते हैं ये कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग बडिंग भी आता है इसी के अंतर्गत इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑल ऑफ द एवब वाट आर द मेथड ऑफ मेकिंग बॉन्साई ऑप्शन डी इज राइट ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन वाटर गार्डन कच्चा पोल्स आर वाटर गार्डन के कच्चे ताल हैं ऑप्शन ए है फॉर्मल ऑप्शन बी है इनफॉर्मल ऑप्शन सी है फ्री स्टाइल एंड ऑप्शन डी है मॉडर्न स्टाइल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट इन फॉर्मल इन वाटर गार्डन कच्चा पूल आर ऑप्शन बी इज राइट इन फॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन होम गार्डन एरिया ऑफ लॉन शुड नॉट बी मोर देन घर के बगीचे में लॉन का क्षेत्रफल से अधिक नहीं होना चाहिए ऑप्शन ए है सेवेंटी परसेंट ऑप्शन बी है थर्टी परसेंट ऑप्शन सी है ट्वेंटी परसेंट एंड ऑप्शन डी है फोर्टी परसेंट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ राइट थर्टी परसेंट इन होम गार्डन एरिया ऑफ लॉन शुड नॉट बी मोर देन इन होम गार्डन एरिया ऑफ लॉन शुड नॉट बी मोर देन ऑप्शन बी इज़ राइट थर्टी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विज फ्लावर इज ऐसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा किस फूल का संबंध भगवान कृष्ण से है ऑप्शन ए है लोटस ऑप्शन बी है कदम ऑप्शन सी है कचनार एंड ऑप्शन डी है सेमल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट कदम कदम का संबंध भगवान कृष्ण से होता है विच फ्लावर इज ऐसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा ऑप्शन बी इज राइट कदम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट इन द वर्ल्ड इज विश्व का सबसे बड़ा फूल बाज़ार कौन सा है ऑप्शन ए है नीदरलैंड ऑप्शन बी है जापान ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है यूएसए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट नीदरलैंड लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट द वर्ल्ड इज नीदरलैंड ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री लाल बाग बॉटनिकल गार्डन इज़ लोकेटेड एट लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा ऑप्शन सी है हैदराबाद एंड ऑप्शन डी है, है बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट बेंगलुरु लाल बाग बॉटनिकल गार्डन इज़ लोकेटेड एट ऑप्शन डी इज राइट बेंगलुरु ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बेंगलुरु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर बोनसाई मेकिंग जो बोनसाई बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है ऑप्शन ए है पीच ऑप्शन बी है बेर ऑप्शन सी है एक्जोरा ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एवब इसमें पूछा गया है बोनसाई बनाने के लिए इनमें से कौन सा प्लांट सुटेबल नहीं है ऑप्शन ए है पीच ऑप्शन बी है बेर ऑप्शन सी है एक्जोरा एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एवक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट नॉन ऑफ द एवक इनमें से कोई भी प्लांट बॉन्साई के लिए सुटेबल नहीं है पीच बेर एग्जोरा इनके द्वारा बॉन्साई आप नहीं बना सकते नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ग्लैडुलस इज प्रोपोगेटेड बाई ग्लैडुलस द्वारा प्रसारित किया जाता है मीन्स ग्लैडुलस किसके द्वारा परवर्तित किया जाता है ऑप्शन ए है कॉर्म ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है कॉर्मलेस ऑप्शन सी है बोथ कॉर्म एंड कॉर्म्स एंड ऑप्शन डी है बल्ब ग्लैडुलस इज प्रोपोगेटेड बाय ऑप्शन ए इज राइट कॉर्म ग्लैडुलस इज प्रोपोगेटेड बाय ऑप्शन ए है कॉर्न ऑप्शन बी है कॉर्नस ऑप्शन सी है बोथ कॉर्म एंड कॉर्नर्स ऑप्शन डी है बल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट कॉर्म थैंक यू